हेलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने सोचा आप लोगों के लिए कोई अच्छी डिश बनाई जाए, तो मैं यहाँ पे हैदराबाद की एक फेमस डिश बना रही हूँ, मसूर बांडा। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, प्याज, हरी धनिया पहले से काट के रख ली थी, टमाटर है, यहाँ पे कुछ मसाले मैंने रखे हैं, यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके आलू पानी में डाल के रखा था, और इसके बाद यहाँ पे रखा अरारोट, आधी कटोरी दही और मैदा, ये 3 कटोरी मैदा है जिसमें आधी कटोरी दही पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे मैदे में कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे हरी मिर्चें, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा खाने वाला सोडा, लाल मिर्च, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैदे में। इसके बाद मैं डालूँगी 2 चम्मच अरारोट, ज़्यादा मत डालिएगा। और यहाँ पे मैंने जो कटोरी में दही रखा था वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये देखें, दही आप पूरा डाल दीजिएगा आधी कटोरी। अब मैंने उसी कटोरी में पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इस मैदे में मिक्स कर दूँगी। आप पहले ज़्यादा मत डालिएगा। मिक्स करने के बाद इसको आप अच्छे से फेंट लीजिएगा, और फेंटने के बाद मैं इसमें जो प्याज और शिमला मिर्च मैंने काट के रखी थी वो सब ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे धनिया थोड़ी बचा के रखूँगी। यहाँ पे मैं टमाटर डाल दिया, मैंने आलू डाल दिया, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप इनको बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा और अच्छे से फेंट भी दीजिएगा। बोंडा खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं बना रही हूँ आप ही लोगों के लिए। आप लोग जिस प्रकार से मैं बना रही हूँ आप उसी तरह से बनाइएगा। उसके बाद ये बैटर को मैं 5 मिनट के लिए बंद करके रख दूँगी। उसके बाद मैंने बैटर को खोला और जो मैंने गैस पे पहले से कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा था, मैं उसी में से करीबन 3 टेबल स्पून तेल निकालूंगी और उस बैटर में मिक्स कर दूंगी। आप तेल को बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगी, ये देखिए, और अच्छे से चला भी दीजिएगा। आप बैटर जितने अच्छे से फेटेंगे बोंडा उतने ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने गैस पे पहले तेल गरम करके रखा था, तेल अच्छे से गरम हो गया। अब मैं एक एक करके बोंडा सारे तेल में डाल दूंगी। आप गैस की फ्लेम धीमी ही रखिएगा, ज़्यादा तेज मत रखिएगा, नहीं तो बोंडा डालते ही ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। ये देखिए, बोंडा अच्छे से फूल गए हैं और मैं इन्हें चम्मच से अच्छे से पलट दूंगी। आप बोंडा को तेजी आंच में पकाइएगा, धीमी आंच मत रखिएगा। जब आपको लगे कि गैस की आंच धीमी करनी है, ज़्यादा तेल गर्म हो गया, तभी आप धीमी करिएगा। वैसे ये तेज आंच में ही निकाले जाते हैं। ये देखिए, बोंडा अच्छी तरह से पक गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूंगी। आप तेल को अच्छे से छान कर निकालिएगा। इसी प्रकार मैंने सारे बोंडा निकाल लिए हैं। जो लोग हाथ से बोंडा ढंग से नहीं डाल पा रहे हैं तो मैं उन्हें चम्मच से बता रही हूँ। आप चम्मच को पानी में भिगोकर फिर धीरे धीरे करके आप इस प्रकार से बोंडा तेल में डालिएगा। बोंडा इससे भी बहुत अच्छे से बनेंगे। मैं हाथ से ही बनाती हूँ, कुछ लोग जो नहीं बनाते मैं उनके लिए बता रही हूँ कि चम्मच से भी अच्छे बनेंगे। मैं यहाँ पे एक एक करके सारे बोंडा डाल लूंगी। ये देखिए, बोंडा बनाना कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत झटपट बन भी जाता है, और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, सारे बोंडा अच्छे से पक रहे हैं। ये मैंने दूसरा बैच डाला था, ये भी अच्छे से लाल हो गए। मैं इसे निकाल लूँगी, ये भी अच्छी तरह से लाल हो गए। जी, ये बहुत अच्छी है। आप लोग मेरी तरह देख कर बनाइएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन वाली बेल भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं अच्छी अच्छी डिश बनाऊंगी तो वो आपके पास पहले आएगी। ये देखिए, यहाँ पे सर्विंग प्लेट में मेरे सारे बोंडे निकाल लिए हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत सॉफ्ट हैं अंदर से। आप लोग एक बार इसको ज़रूर बना के देखिएगा, और बनाने के बाद इसे प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगे। मेरी और भी वीडियो अच्छी अच्छी आएंगी, प्लीज़ आप इनको ज़रूर देखिएगा। ओके, बाय।